हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जो जनरल डिफेंस लॉ ऑफ टोर्ट में इसके बारे में समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे फ़ोनपे नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। और हमारा एक नया चैनल है, हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग चैनल, नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको फॉलो करें, उसको सपोर्ट करें। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और उसमें अब तक बहुत ही कम सब्सक्राइबर हुए हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और सब्सक्राइबर उसके बढ़ाएं, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के जनरल डिफेंस को पहले एग्जांपल के साथ शुरू करूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का है, ये जनरल डिफेंस कौन लेगा? डिफेंडेंट लेगा। अपने आप को डिफेंड कौन करता है? डिफेंडेंट करता है। तो डिफेंडेंट लेगा, तो इससे पहले मैं एग्जांपल दूंगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। हुआ क्या, एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पे रेल का जो था काम लगाया हुआ था, ट्रेन का काम लगाया हुआ था कहीं पे। अब जब ट्रेन का काम जो है गवर्नमेंट तो खुद करेगी नहीं, किसी से करवाएगी, तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी हायर करी और उनको बोला कि आप हमारे लिए ट्रेन को बनाओ, ट्रेन की पटरी को बिछाओ। तो जब यहाँ ट्रेन की पटरी बिछ रही थी, तो आपको पता है जब ट्रेन की पटरी बिछेगी तो बहुत काम होगा, इवन जो लोहा है वो काटा जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, काफ़ी कुछ होता है। तो हुआ क्या, जब लोहा कट रहा था तो कुछ चिंगारियाँ लोहे से निकली और चिंगारी पड़ी और यहाँ पे आग लग गई। किसके घर में आग लग गई? जब आग लगी तो उसको नुकसान हो गया। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने जिसको नुकसान हुआ, उसको जायज़ सी बात है, राइट है केस करने का, वो केस कर देता है कोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर करेगा? इस कंपनी के ऊपर ही करेगा कि कंपनी ने काम किया, कंपनी काम कर रही थी तो कंपनी की वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो अगर ये जो व्यक्ति या केस करता है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लेगी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे थे, हमें स्टैचू ने बोला, हमें लॉ ने बोला। अब इस कंपनी को ट्रेन बिछाने के लिए, रेलवे पटरी बिछाने के लिए किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी, इनके पास स्टैट्यूटरी पावर थी, लॉ की अकॉर्डिंग पावर थी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ट्रेन की पटरी बिछा रही है? लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सहूलियत हो जाए, अच्छा जीवन यापन हो जाए। तो हुआ क्या, जब इसके ऊपर केस फाइल किया गया कंपनी के ऊपर, तो कंपनी जो है वो डिफेंस ले सकती है, कंपनी डिफेंडेंट बन गई, ये व्यक्ति प्लेंटी बन गया। तो कंपनी डिफेंस ले सकती है कि सर, जो हम काम कर रहे थे वो हम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे थे, हमने कानून ने बोला, हमें स्टैचू ने बोला, हमारे पास स्टैचूटरी अथॉरिटी थी काम करने की। अब इससे प्लेंटिव को लॉस हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है? पहली बात तो यही है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कि जब एक व्यक्ति, जब एक कंपनी, कोई इंसान या कोई कंपनी जो है लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, लॉ ने उसको बोला काम करने को, उसके अकॉर्डिंग काम करती है, और लॉ के अकॉर्डिंग काम करते करते किसी को लॉस हो जाए, तो अगर उसके ऊपर केस किया जाए, तो वो कंपनी या व्यक्ति जो है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। पर एक बात ये रेज होती है कि क्या जो प्लेंटिव है, जिसके घर में आग लग गई, क्या उसको कोई भी कुछ नहीं मिलेगा? उसको भी नुकसान तो हुआ ही है ना, नुकसान तो उसको भी हुआ है। तो क्या लॉ ये बोलता है कि इसको तो डिफेंस दे दो, जनरल डिफेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, क्या इनको कोई डिफेंस कुछ नहीं मिलेगा? तो आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर डिफेंस लेना हो, तो जो कंपनसेशन स्टैट्यू में लिखा हो, अर्थात बोलने का मतलब ये है, जब रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, कंपनी को पावर दी, तो एक प्रॉपर स्टैचू बना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टैचू बनाया होगा, लॉ बनाया होगा, उसके अंदर लिखा होगा कितना खर्चा आएगा, कहां से कहां तक रेल बिछेगी, और यही लिखा होगा। अगर इस रेलवे ट्रैक के बिछाने से किसी को लॉस होता है, तो उसको हम 5 लाख या 10 लाख रुपये तक का कंपनसेशन देंगे। तो जो कंपनसेशन स्टैचू में लिखा होगा, वो कंपनसेशन इसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है इसको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, पर जो स्टैचू में लिखा होगा वो मिलेगा। अदरवाइज कोर्ट में अगर वो केस करेगा, तो कोर्ट बस स्टैचू के अनुसार जो कंपनसेशन डिसाइड किया गया वही देगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि जो कंपनी है वो स्टैचूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकती है। जो मैंने आपको बातें बताई, ये एक केस हुआ था, केस का नाम है बैगन वर्सेज टेफबाल रेल कॉरपोरेशन, इस केस में ये बातें बोली गई थी।
हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैचुटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति, एक कंपनी, कोई कॉरपोरेशन जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, जो वो काम कर रहा है उसको करने के लिए उस व्यक्ति को लॉ ने पावर दी है, कानून ने पावर दी है, एक स्टैचू ने पावर दी है, एक प्रॉपर एक्ट ने पावर दी है, लेजिस्लेचर ने पावर दी है, तो उसको करते हुए अगर कोई चोट हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, तो वो डिफेंस ले सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये ही एग्जाम्पल देते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला एक कंपनी को रेलवे लाइन बिछाओ, कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दी। मान लो रेलवे लाइन कंपनी बिछा रही थी, रास्ते में कुछ घर आ गए, जब घर आए उन घरों को वहाँ से साइड में करना था, उन घरों को नोटिस आ गया अपने घर निकाल लो, साइड में बना लो, यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है। तो अब वो घर जब अलग किए जाएंगे तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, उनको भी कोई तो फायदा देना ही है, तो उनको जो स्टैच्यू में लिखा होगा वो पहले लिख दिया जाएगा क्या क्या मुआवजा मिलेगा। पर मान लो एक घर है वो ट्रेन की पटरी के साथ में है, अब जब यहाँ से ट्रेन जाती है, आती है, जाती है, तो इस व्यक्ति को बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, और हमें पता है न्यूसेंस एक प्रकार का टोट होता है। तो मान लो ये घर वाला बंदा इस ट्रेन की के बनाने वाली कंपनी के ऊपर केस कर देता है न्यूसेंस का, कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो जो पटरी है ट्रेन की पटरी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो स्टैचुटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकते हैं कि हमने जो भी किया वो लोगों के अकॉर्डिंग किया, जो भी किया लोगों की भलाई के लिए किया, इसलिए ट्रेन की पटरी तो जानी ही थी, बहुत सारे लोगों का फायदा हो इसलिए जानी थी। अब आपको न्यूसेंस हो रहा है तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, हाँ आप अपना घर कहीं और बना सकते हो, ट्रेन की पटरी यहीं से जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पर बात ये आती है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कंपनी है, मैं रेल का एग्जाम्पल फिर से दूंगा, मान लो रेल का एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल बड़े हो सकते हैं, ट्रेन को छोड़ के आप जो है वो कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, तहसील का ऑफिस बन रहा है, तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, एसडीएम साहब का ऑफिस बन रहा है, सरकारी काम भी हो सकते हैं, सरकारी बिल्डिंगें बन सकती हैं, कोई भी काम हो सकता है कंस्ट्रक्शन का जिनको लोन अलाउ किया हो। तो मैं सिर्फ रेल का एग्जाम्पल दूंगा फिर से आपको समझाने के लिए। अब मान लो एक कंपनी है वो जो है वो ट्रेन की पटरी बिछा रही है, कंपनी के जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, कंपनी भी कई लोगों को काम करवाएगी ना, कंपनियां होती हैं बनी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां जो बड़ी बड़ी, उन्होंने अपने अंदर बंदे रखे होते हैं ठेकेदार बोलते हैं जिनको, तो वो काम करवा रहे हैं। मान लो जो काम लोग कर रहे हैं वो लापरवाह हैं, वो लापरवाही से काम कर रहे हैं, अगर लापरवाही से काम करते करते मान लो किसी को नुकसान हो जाए तब क्या होगा, तब भी ऐसा ही होगा कि स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर वो डिफेंस ले लेंगे, और जो कंपनसेशन स्टैच्यू में लिखा हो मिलेगा वही मिलेगा या एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ भी हुआ, एक बड़ा अच्छा केस लॉ है, नाम है स्मिथ वर्सेस लंडन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि एक ट्रेन की पटरी बिछ रही थी, तो जो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे वो उन पटरी के साथ घास, सूखा घास पड़ा हुआ था, उन लोगों ने इतनी लापरवाही करी कि सूखे घास को साइड में नहीं किया, उन्होंने घास को तोड़ा, घास को मतलब काटा, वो वहीं फेंक दिया सूखा घास बिल्कुल, और साइड में नहीं किया। तो हुआ क्या, जब ट्रेन का काम चला हुआ था तो पटरी में से जो चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकली लोहे में से और सूखे घास में पड़ी और आग लग गई, जिससे कि एक व्यक्ति के घर तक आग पहुंच गई और घर भी जल गया। उसने केस फाइल कर दिया कि मुझे अब वो दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, मेरा घर जला दिया उन्होंने। तो जो कंपनी के वाले थे उन्होंने ले लिया डिफेंस स्टैचुटरी अथॉरिटी का, हम तो लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, हमारी क्या गलती है। तो कोर्ट ने बोला नहीं, अब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग अकॉर्डिंग काम तो कर रहे थे पर आप लापरवाह थे, आप नेगलिजेंस थे, आपने नेगलिजेंटली काम किया, इसको आपको कोई डिफेंस, इसलिए आपको कोई भी डिफेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आप जो है वो लिख सकते हो कि डिफेंस केवल तभी मिलता है जब कंपनी जो है वो नेगलिजेंटली ना हो, अगर वो नेगलिजेंटली काम कर रही है और कोई नुकसान हो जाता है तो फिर कोर्ट को पावर है कि वो बहुत मतलब जो स्टैच्यू में लिखा हो उससे हट के और भी ज़्यादा कंपनसेशन दे सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे न्यू ब्लॉगिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें हम डेली ब्लॉग डालते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने ब्लॉग्स हम उसमें डालते रहते हैं, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।